हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ मेंस में मेरा इतना अच्छा स्कोर रहा, फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने अभी तक मेरा स्कोर कार्ड नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिएगा। इस बार जनरल की कट ऑफ 94 गई थी और मेरा स्कोर 124 रहा, मतलब 30 नंबर ज्यादा स्कोर किए मैंने। उसके बाद भी मेरा फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया, वो चीज मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ क्योंकि आगे जाके आप भी एग्जाम्स देने वाले हो, तो आप ये गलती ना करो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप दूसरों की गलती से सीख लोगे तो आप एडवांटेज में रहोगे, बजाय कि खुद गलती करके फिर सीखना। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बोल दूं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस किए थे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे के इतने सारे एनकरेजमेंट वाले मैसेजेस किए थे कि इट्स ऑल राइट, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने किए थे। वो फीलिंग मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ कि इतना मेजर सेटबैक था ये मेरी लाइफ का। और भी कई सारे आएंगे, और भी कई सारे एग्जाम्स देने हैं, और भी कई सारे फेलियर्स लाइफ में देखने हैं, बट ये एक मेजर था। तो उस मेजर फेलियर में आप सब लोग मेरे साथ खड़े रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। सही में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है मेरे लिए, इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। और इतना सब आपने मेरे लिए इतना सब कुछ बोला है, तो मैंने भी सोचा है कि कुछ आपके लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं टेलीग्राम पे क्विजेस कराऊं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो एज अ प्रैक्टिस। रीजनिंग के होंगे, क्वांट्स के होंगे, इंग्लिश के होंगे या जनरल अवेयरनेस के होंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो उस पर। तो आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि ये इनिशिएटिव लेना सही है या नहीं। और मैंने ये भी सोचा है कि एक घंटे के लिए मेरा डिस्कशन ग्रुप ऑन रहेगा, तो उसमें आप आपस में बात कर सकते हो, एक दूसरे के डाउट्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो, और अच्छा हेल्दी डिस्कशन कर सकते हो उस एक घंटे में। तो वो मैंने सोचा है। और अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरव्यू पे क्या हुआ, इंटरव्यू का इतना ज्यादा कम नंबर क्यों मिला। इंटरव्यू में मुझे 50 में से 32 नंबर मिले। अगर आपने मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला वीडियो देखा है तो बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आपका इंटरव्यू तो काफी अच्छा गया था जब उन्होंने एक्सपीरियंस वीडियो देखा। और ये मैं खुद फील करती हूँ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, एटलीस्ट मैं 40 एक्सपेक्ट कर रही थी। और जब मैंने लोगों के इतने अच्छे अच्छे मार्क्स देखे तो मुझे लग रहा था कि हाँ यार 40 तो मिलने ही चाहिए थे, 32 बहुत ज्यादा कम स्कोर हो गया। तो ये इसकी क्या वजह रही, मैं वो आपको बताती हूँ। देखो, मेंस का बहुत अच्छा मेरा रहा, और मेंस की स्ट्रेटजी आपने मांगी है तो वो आ जाएंगी चैनल पे, आप चैनल सब्सक्राइब कर लो तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। इंटरव्यू में ऐसा क्या गलत हुआ मुझसे, वो मैं आपको बताती हूँ। एक मैं आपको इवेंट बता देती हूँ वहां का। उन्होंने मुझसे बोला था कि इस बार अगर एसबीआईपीओ नहीं हुआ तो आगे क्या प्लान है, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम फिर से दूंगी। बोले नेक्स्ट टाइम भी नहीं हुआ तो, मैंने कहा फिर से दूंगी, जब तक नहीं होगा तब तक देती रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मान लो कि कभी भी आपका एसबीआईपीओ नहीं क्लियर होता है तो फिर आपका क्या प्लान है। तो मैंने कहा मेरा क्लेरिकल में ऑलरेडी हो चुका है सिलेक्शन, तो उसमें कंटिन्यू करूंगी और ये सोचूंगी कि शायद मेरे लिए गॉड के पास बेटर प्लान्स हैं। तो ये चीज मैंने अपने इंटरव्यू में बोली थी। अब मैं इसका आपको बताती हूँ कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एक तो मेरी एज कम है, ठीक है, 22 इयर्स हूं मैं अभी, तो उन्होंने ये सोचा कि अभी ये 22 इयर्स है तो ठीक है, आगे भी ये एक और बार एग्जाम देके क्लियर कर सकती है। दूसरी चीज उन्होंने क्या सोची, उन्होंने मेरे ग्रेड्स वगैरह देखे थे, उस पर भी उन्होंने कॉमेंट किया था। उन्होंने मेरे ग्रेड्स देखे, बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं 10th 12th कॉलेज में, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ये पढ़ने में भी अच्छी है तो नेक्स्ट टाइम भी क्लियर कर लेगी। उनकी मैं मेंटालिटी कैच करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में सही हो या नहीं। तो उन्होंने ये सोचा होगा पढ़ने में ये ऑलरेडी अच्छी है तो नेक्स्ट टाइम भी देके क्लियर कर लेगी। अब क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एक जॉब है तो हम एक फ्रेश कैंडिडेट को चूज करते हैं इसके ऊपर कि रहने दो, इसके पास है ही ऑलरेडी, और अभी इसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर मेरे पास एक्सपीरियंस होता और तो मैंने बताया होता कि मेरा जूनियर एसोसिएट मैं हूं, तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता कि हाँ इसके पास एक्सपीरियंस है, ये काम ऑलरेडी जानती है, बहुत जल्दी कैच कर लेगी। लेकिन क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी नहीं था और मैं एकदम फ्रेश कैंडिडेट थी, लेकिन उनके दिमाग में ये पड़ गया कि ऑलरेडी ये इम्प्लॉयड है, अब इसके पास जॉब है तो फिर फ्रेश कैंडिडेट को चांस देना चाहिए। तो मेरा जो नॉर्मल जितने भी लोग होते हैं उनसे भी कम चांसेस हो गए इसमें।
तो इसलिए उन्होंने मुझे प्रायोरिटी नहीं दी और उन्होंने मुझे कम नंबर दिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी थ्योरीज वगैरह बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मेरा इंटरव्यू सच में IBPS PO से भी ज्यादा अच्छा मेरा SBI PO का गया था। तो मेरा ये मानना था कि ये वाला हो ही जाना चाहिए था, बट इट्स ऑल राइट। शायद मैं इस फेलियर को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती हूँ। जो भी हुआ है बढ़िया हुआ है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं देखती हूँ। और अभी मैं इस सदमे से भी बाहर आ चुकी हूँ, ठीक है। हाँ, लगता है बुरा तो लगता ही है, किसको नहीं लगता यार। आप जब मेहनत करके निकालते हो ना कोई चीज तो बुरा लगता है। तो वो सारी चीजें मैंने कर ली है सॉर्ट आउट अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है मुझे पता है, मेरे टारगेट्स मुझे क्लियर है। तो आप लोग भी यही करो, जो लोग भी फेलियर्स को एनकाउंटर करते हो आप लोग, तो उस पे बैठ के ज्यादा टाइम मत रो, ठीक है। रोना है मानते हैं, रो लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, रोने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो, मूव ऑन करो। जितना ज्यादा आप उस चीज को पकड़ के बैठोगे उतना ज्यादा आपका नुकसान होगा, उतना ज्यादा आप टाइम वेस्ट करते जाओगे आगे के लिए। तो इसको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओ और आगे का सोचो, आगे क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और भी कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए प्लान कर रही हूँ, मेंस के स्ट्रेटजी वीडियोस और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए वो सब मैं आपके लिए लेके आऊंगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बता देना कैसा क्या मेरा इनिशिएटिव सही है या नहीं है, तो मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ, उसको भी ले लूंगी इनिशिएटिव को, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।